हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम। ठीक है, टैली प्राइम के एक दिक्कत हमारे व्यूअर के साथ है, जिन्होंने बताया है मुझे कि सर गोडाउन को डिलीट करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, गोडाउन डिलीट ही नहीं हो रहा है। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम बनाते हैं कैसे ये देखना होगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, F3 प्रेस करता हूँ और एक पहले नई कंपनी से शुरुआत करूंगा। तो यहाँ से F3 प्रेस करके एंटर किया, यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे जाके, और जैसे ही एंटर करते हैं तो हमारे सामने नया फॉर्म खुलता है। मैं यहाँ पर newcompany.com नाम से एक कंपनी बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी कंपनी का नाम है और न्यू कॉलोनी देवरिया इसका एड्रेस है। यहाँ पे ये एड्रेस डाल दिया है और एंटर करके यहाँ पे स्टेट चूज करना कंपलसरी है, तो यहाँ पे स्टेट जरूर चूज कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो है आपका लोकल एरिया का पिन कोड आएगा, बाकी काम आपका 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहा है और इसी डेट पर हम हमारा फाइनेंशियल ईयर भी शुरू होता है। तो ये सब हो जाने के बाद यहाँ से GST आप चाहे तो चालू कर सकते हैं, तो GST को आप यस कर लीजिएगा और यहाँ पर रेगुलर रखते हुए और आगे बढ़िएगा। फिर यहाँ पे आपका जो भी GSTIN आता हो वो GSTIN नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा। फिर ये मंथली रखते हुए यहाँ पे यस करके फिर एंटर और यहाँ से जो है इसको टैक्सेबल रखिएगा और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 15% लगा देते हैं, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा और कंट्रोल लेकर के इसे पूरे को एक्सेप्ट कराएंगे। अब जबकि हमें ये सीखना है कि गोडाउन ऑप्शन चालू कैसे किया जाए, पहला सवाल ये है कि गोडाउन चालू कैसे किया जाए। तो देखिए, क्रिएट ये ऑप्शन दिख रहा है आपको और यहाँ पे दिख रहा होगा चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं क्रिएट पे जाता हूँ तो यहाँ पे हमें गोडाउन दिखता है। ये देखिए, ये गोडाउन दिख रहा है, शायद आपके में ना दिख रहा हो तो इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो ये दिखने लगेगा, या फिर यहाँ शो मोर है तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो दिखने लगेगा। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले गोडाउन बना लेना है। तो ये गोडाउन पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए दे रहा है क्रिएट न्यू गोडाउन और यहाँ सी ऑप्शन हाईलाइट है, तो सी प्रेस कीजिएगा तो नया गोडाउन आप बना पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ देवरिया गोडाउन जो है बना रहा हूँ और ये आपका मेन लोकेशन में जाएगा हमारा, एंटर कर देते हैं तो एक गोडाउन बन गया। अब देवरिया में बना रहा हूँ न्यू कॉलोनी, अब न्यू कॉलोनी जाएगा देवरिया गोडाउन के अंदर, किसके अंदर जाएगा, देवरिया गोडाउन के अंदर। तो ये हो गया न्यू कॉलोनी और यहाँ पे देखिए ये देवरिया के अंदर जाएगा, ये न्यू कॉलोनी वाला जो गोडाउन है वो किसके अंदर जाएगा, देवरिया के अंदर। तो ये देवरिया कर दिया, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। तो ये दो गोडाउन हमने बनाए। अब क्या ये दो गोडाउन बनाते ही डिलीट किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं, सवाल ये है कि मैंने बनाया है अभी अभी तो क्या इसे डिलीट करना संभव है। तो यहाँ पे चलते हैं अल्टर पर, डिलीट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, अल्टर पे जाएंगे और वापिस आ जाते हैं गोडाउन में। और गोडाउन में आने के बाद ये देवरिया गोडाउन है और देवरिया गोडाउन बना किसके अंदर है, तो ये मेन लोकेशन के अंदर है और जो न्यू कॉलोनी गोडाउन है वो देवरिया के अंदर है। तो पहले हम देवरिया गोडाउन को अल्ट डी करके डिलीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो गोडाउन है ये डिलीट नहीं होता है, देखिए ये डिलीट हो रहा है, अल्ट डी कर रहा हूं मैं तो ये डिलीट नहीं हो रहा है। देखिए यहां पर मैं बनाते ही मैं डिलीट कर रहा हूं तो भी ये डिलीट नहीं हो रहा। अच्छा एक मिनट, न्यू कॉलोनी गोडाउन पहले डिलीट करते हैं, तो अल्ट डी करते हैं तो देखिए क्योंकि इसके अंदर एक गोडाउन पहले से बना हुआ है जिसकी वजह से ये डिलीट नहीं हो रहा था, तो पहले तो उसके अंदर जो भी गोडाउन है उनको पहले आपको डिलीट करना होगा। ठीक है, तब ये डिलीट होगा, फिलहाल मैं इसे डिलीट नहीं कर रहा। अब हम एक एंट्री परचेस की कर लेते हैं, वी बटन प्रेस करके आते हैं, F9 प्रेस करके परचेस वाउचर में, और यहाँ पर सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डालेंगे, वो डेट आएगी जिस डेट पे परचेजिंग हो रही है। तो F2 करके यहाँ पे 1/4/2024 कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए ये करंट पीरियड हमारा गड़बड़ है तो अल्ट F2 करके हम करंट पीरियड चेंज कर लेंगे, इसके बटन प्रेस करके बाहर आएंगे और अल्ट F2 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1/4/2023 दिया हुआ है, 1/4/2024 से 31/3/2025 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, एंटर कर देंगे तो ये हो गया। अब यहाँ पे 1/4/2024 कर देते हैं, एंटर करते हैं, F2 करके 1/4/2024 कर दिया तो ये हो गया। अब ये हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए कैश आ रहा है तो हम एक क्रेडिटर पार्टी बना लेते हैं गौरव के नाम से, और ये क्रेडिटर पार्टी है, एंटर करेंगे, इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर चूज कर लीजिए और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और जैसे ही एक्सेप्ट होगा तो फिर ये विंडो आएगी, इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए और यहाँ पर आएगा परचेस का लेजर, तो PURCHASE परचेस कर दिया, एंटर किया और यहाँ पे पी प्रेस किया, यानी परचेस के लिए पी प्रेस करेंगे, पी वाले सारे ग्रुप हाईलाइट हो जाएंगे, परचेस अकाउंट का ग्रुप रख करके आगे बढ़ जाइएगा, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हमें स्टॉक आइटम बनाना है तो यहीं से स्टॉक आइटम अल्ट सी करके बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कारोबार है कंप्यूटर का, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ की BOARD कीबोर्ड हो गया, एंटर किया और इसका जो
यूनिट होगा उसको बनाना बड़ा कंपलसरी होता है। तो कीबोर्ड बिकेगा तो किस में बिकेगा, नंबर्स में बिकेगा। तो एन में सिंबल कर देता हूँ और यहाँ पे नंबर्स कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एन प्रेस करेंगे तो देखिए यूक्यूसी कोड हाईलाइट हो जाएगा और एन नंबर्स आ भी रहा है, तो इसको लेकर के एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। बैचेस की डिटेल चाहे तो दे सकते हैं, फिलहाल इस वीडियो में मैंने बैचेस की डिटेल को स्किप किया है। अब देखिए यहाँ तुरंत आ रहा है गोडाउन, कौन से गोडाउन में डालना है, तो हम यहाँ पे न्यू कॉलोनी गोडाउन में डालेंगे इसे। और न्यू कॉलोनी गोडाउन में 50 जो है हमने लिया है, और खरीद रेट क्या पड़ी है, तो मान लीजिए कि 75 रुपये खरीद रेट पड़ी है, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। और भी किसी गोडाउन में रखा है तो एक देवरिया गोडाउन है हमारे पास, देवरिया गोडाउन में रख देते हैं 56, ठीक है। सेम रेट से ये भी रख दिया, तो यहाँ पर ये आ गया है। अब यहाँ पे जीएसटी लगाने की बारी है, तो यहाँ अल्ट सी करके जीएसटी लगाते हैं, सी जीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखेंगे, जीएसटी रखेंगे, और यहाँ पे रखेंगे सेंट्रल टैक्स। और सेंट्रल टैक्स रखते हुए यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करते हुए एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट भी होता रहेगा। अल्ट सी करते हैं, अब यहाँ करते हैं एसजीएसटी, ये एंटर किया, एंटर किया, एंटर करेंगे, और ये भी जीएसटी ही है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम स्टेट टैक्स, और एंटर करके, और फिर यहाँ पर क्या करना है, नॉर्मल राउंडिंग, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराना है। तो देखिए यहाँ पर भी आ गया है। अब यहाँ पर लिख देता हूँ द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये नरेशन में आप चाहे तो डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं आप। तो ये हो गया। अब समस्या ये है कि यहां से अब गोडाउन आपका डिलीट नहीं होगा, कोई भी गोडाउन आप डिलीट नहीं कर सकते। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे आए और यहाँ पे गोडाउन पे आए, ठीक है। और जैसे ही मान लीजिए न्यू कॉलोनी को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ अल्ट डी करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें सामान ऑलरेडी भरा पड़ा है। न्यू कॉलोनी गोडाउन में हमने सामान रख दिया है, इसकी वजह से ये डिलीट नहीं होगा। अब इस पे आते हैं थोड़ा, लेकिन अगर उसका यूज आपने कर लिया है तो कतई डिलीट नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, अब ये देखिए ये देवरिया गोडाउन है, तो अगर देवरिया गोडाउन मान लीजिए कि जो एंट्री आपने पास करी है, जैसे मान लीजिए ये एंट्री हमने पास करी, यहाँ पर आए, पहले तो हम डेट चेंज करेंगे, यहाँ से ऑल्ट एफ टू करते हैं, यहाँ पे 1/4 से 31/3/2025 एंट्री पास करते हैं, यहाँ पर आकर के तो यहाँ से वी बटन प्रेस करते हैं वाउचर में जाने के लिए, वी प्रेस करना है हमें, और यहाँ से चलेंगे परचेज वाउचर में, और यहाँ पर आकर के एंटर करेंगे, यहाँ पर सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर आएगा, एंटर करेंगे, और यहाँ पर आते हैं ये गौरव की क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, एंटर करके, और यहाँ पे परचेज करेंगे, और यहाँ पर कीबोर्ड ले लेते हैं वापस से, और फिर पूछा जा रहा है गोडाउन, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है देवरिया गोडाउन डालते हैं, देवरिया गोडाउन, ये देवरिया गोडाउन है, और यहाँ पे 45 अमाउंट है, ये देखिए ये डाल दिया हमने, तो देवरिया गोडाउन में हमने इसे रखा, और बाकी सीजीएसटी तो आता ही रहेगा, तो ये हो गया सीजीएसटी, और ये हो जाएगा यहाँ पर सीजीएसटी, और एंटर करेंगे यहाँ पे एसजीएसटी हो जाएगा, तो ये आ गया, एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट करा दिया, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब अगर हम वापस जाते हैं, जैसे मान लीजिए डिलीट करने के लिए हम अल्टर पे जाएंगे, ये अल्टर पे आए, फिर यहाँ पर गोडाउन पे आते हैं, तो गोडाउन पे जैसे ही आते हैं तो भले ही हमारा न्यू कॉलोनी गोडाउन खाली है, लेकिन ये डिलीट नहीं होगा, देखिए फिर भी डिलीट नहीं हो रहा है। अगर मैं डेट चेंज करता हूँ यहाँ पे, देखिए क्योंकि यूज तो कर लिया हमने, जब अगर आप यूज कर लेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यूज अगर आपने नहीं किया है, कोई अनयूज गोडाउन है, तो वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन जब यूज हो गया तब फिर उसको डिलीट आप नहीं कर पाएंगे, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप देखिए यहाँ से मैंने डेट भी चेंज किया, फिर भी हम इसे डिलीट नहीं कर सकते, यहाँ पे डिलीट ऑप्शन नीचे हाईलाइट ही नहीं हो रहा है कि आप डिलीट करेंगे। तो ये चीज दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि जब आप यूज कर ले, अनयूज गोडाउन है तो उसको तो आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई गोडाउन बनाया है क्रिएट पे जाके और उसका आपने यूज नहीं किया है, जैसे मान लीजिए ये गोडाउन है हमारा, और यहाँ पर एक गोडाउन बना लेते हैं राघव नगर नाम से, राघव एंटर किया, और ये जाएगा अंडर देवरिया गोडाउन में, तो यहाँ पे देवरिया गोडाउन कर दिया, अब एंटर कर दिया। अब यहाँ से बाहर आते हैं, अब इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं, भले ही हमने कोई एंट्री इसमें नहीं करी है तो ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि कोई एंट्री ही नहीं करी है ना, तो ये डिलीट हो जाएगा। देखिए कैसे यहाँ पर अल्टर पे आए, गोडाउन पे गए, और यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अल्ट डी करते हैं, तो ये देखिए ये डिलीट वाला जो है अपने आप आ जा रहा है और आप डिलीट कर पा रहे हैं गोडाउन को, लेकिन अगर यूज कर लिया तो वो डिलीट नहीं होगा, ये चीज दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। अल्ट डी कर रहे हैं आप, देखिए ये डिलीट नहीं होगा, भले ही सारा स्टॉक आइटम हमने ट्रांसफर कर दिया दूसरे गोडाउन में, इसमें कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी ये डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी सारी चीजें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।